CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। सिद्धार्थनगर जिले में बहने वाली राप्ती नदी में नाव पलटने से 12 महिलाएं नदी में गिर गईं, जिसमें से 11 महिलाओं को तो नाव वालों ने बचा लिया, लेकिन एक युवती नदी में डूब गई। पुलिस गोताखोरों के जरिए युवती की तलाश कर रही है। सभी महिलाएं घास काट कर नाव से वापस जा रही थी, तभी नाव पलट गई। मामला इटवा थाना क्षेत्र के आमहवा गांव का है। दरअसल सभी महिलाएं नाव से घास काटने गई थी, वापस लौटते समय नाव के पलटने से ये हादसा हुआ। गांव वालों का कहना है, महिलाएं नाव के जरिए घास काट कर लौट रही थी। नाव किनारे आते ही जब महिलाएं नाव से उतर रही थी कि तभी नाव पलट गई, उस पर सवार सभी महिलाएं डूबने लगी। गांव वालों ने किसी तरह से 11 महिलाओं को बचा लिया, लेकिन 15 वर्षीय एक युवती डूब गई, जिसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल मौके पर स्थानीय पुलिस, गोताखोर और स्थानीय नागरिक लड़की को ढूंढने में लगे हुए हैं, जबकि धीरे धीरे अंधेरा होने के कारण गोताखोरों का काम करने में दिक्कत आ रही है। 12 जन थे, गए थे घास काटने, उसके बाद किनारे आए नाए, उसके बाद पलटी हो गया, औरत उतरने लगी, उसके बाद नाए पलटी हो गई, उसके बाद बचाने के लिए आ गया था, उसके बाद में और इधर निकाला हो गया, 11 तो निकल गया, खत्म हो गया है। एक लड़की 14-15 साल की थी लगभग। किस गांव की थी? वहाँ का कलवारी का। सर ऐसा घास काटने वाले आए थे इस बार से मल्लाह के चिरौरी करके यहाँ से गए 12 लोग लड़के, उस पे काश उस पार से काट के लेके सर आए इस पार नदी के काछे पे। जैसे पहुंचे जैसे 2-4 बंदे एक बैग कूद पड़े नदी के तीरे पे के। तो और मोटी मोटी औरतें थी, तो उसमें नाव डूब गई, पानी भर गया। जब नाव डूब गई तो 12 मई की 11 को उसरी पारी निकाला गया, उसके बाद एक तो उसमें पानी में बह गई। बहने के तरीका तो नहीं जानते हैं, मगर जहाँ तक पहुँच था वहाँ तक बता रहे हैं। और बताने का कहा, या बहुत लोग बता रहे हैं कि यहाँ पास में आई है वो लड़की, लेकिन वो कहा है हीरे अब काटा वाला आएगा या क्या आएगा, ये तो मुझे नहीं पता है। अफसर लोग आए हैं तो उसमें तहकियात करेंगे। और लड़की वैसे कौन गाँव है, ये कलवारी है, कलवारी के रहने वाली लड़की है।